नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आज दिन है वोटों की गिनती का। बिहार में दो सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती आज हो रही है। मोकामा और गोपालगंज में किस प्रकार उपचुनाव हुए और उसी की गिनती आज हो रही है, आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कल रात से ही बिहार की सियासी गलियारे में तैरने लगा है, और वो सवाल ये है कि आखिर मोकामा और गोपालगंज में जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा। मोकामा के समीकरण की अगर बात कर लेते हैं तो मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई जा रही है। वैसे अगर पार्टी की बात कर लेते हैं तो राजद की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपने तस्वीरें देखी तमाम तरह की, किस प्रकार से बीजेपी की तरफ ओर से भी ताकत झोंकी गई मोकामा में। तमाम नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, बड़े बड़े नेताओं और दिग्गजों का वहां पर जमावड़ा लगा। तो उसी प्रकार राजद की ओर से भी, यानी कि महागठबंधन की ओर से भी, जेडीयू और राजद के तमाम नेताओं ने वहां का दौरा किया। तेजस्वी यादव खुद और ललन सिंह किस प्रकार वहां जाकर लोगों के बीच वोट की अपील करते नजर आए, वो भी आप सभी ने देखा। लेकिन अब वक्त आ गया है रिपोर्ट कार्ड का। जिस प्रकार अभी देखिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद हम आपको आंकड़े भी बताने लगेंगे, जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे कि कौन कितने से आगे कौन कितने से पीछे, ये तमाम बातें भी हम बताएंगे। रुझान भी आने थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल लाइव सिटीज भी आपसे जानना चाहता है, आपकी राय भी जानना चाहता है। आपको क्या लगता है गोपालगंज और मोकामा में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजने वाला है? एक तरफ मोकामा में जहां अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ वाले ललन सिंह है। अब देखना होगा लड़ाई किसके बीच में है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद यह भी पता चल जाएगा कि मोकामा और गोपालगंज में किसके किसकी जीत हो रही है और किसको शिकस्त खानी पड़ रही है। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो वहां बीजेपी की ओर से जो है वो कुसुम देवी को, आपको याद होगा सुभाष सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है और वो बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सिटिंग सीट है गोपालगंज, और वहां से विधायक रहते ही उनका निधन हुआ था, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है और उन्हीं की पत्नी को बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन उनके विपरीत राजद की ओर से मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गोपालगंज में और मोकामा में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। मोकामा में तो और भी दिलचस्प बात यह है कि यहां पर तमाम सियासतदारों की नजर टिकी हुई है कि आखिर मोकामा का चुनावी रण क्या नतीजा लेकर सामने आएगा। यह अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है, मोकामा का क्षेत्र जो है वो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में यहां पर राजनीतिक परिदृश्य काफी देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी वक्त है नतीजे का और देखना होगा कि गोपालगंज और मोकामा में जीत आखिरकार किसकी होती है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद हम आपको बताने आएंगे कि कौन आगे और कौन पीछे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।